साबुदाना वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप साबुदाना लिया है और इसे पानी में वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसका पानी निकाल लेंगे। फिर इसके अंदर हम पानी ऐड करके इसे आधा घंटा सोक करने के लिए रख देंगे। आधा घंटा होने के बाद इसका पानी निकाल लेंगे और बिना पानी के इसे 12 घंटा हम साइड में रख देंगे। आप ये प्रोसेस एक दिन पहले भी कर सकते हैं। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 4 से 5 उबले हुए आलू। आलू ऐड करने के बाद इसे मैश कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर 3 चम्मच रोस्टेड पीनट लेंगे, सेंग दाना, उसे अच्छे से क्रश कर लेंगे। उसके अंदर हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, कोथमीर, नमक, रेड चिल्ली पाउडर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसके टिक्के बनाकर हमें इसे डीप फ्राई करना है। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। बस याद रखिए कि इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं होना चाहिए। तेल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए और इसे दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए। और अगर आप इसकी रेसिपी बनाकर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो प्लीज़ ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। बहुत ही ईजी रेसिपी है इसे बनाना और बहुत ही सिंपल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।